विद्यार्थी शिक्षक भर्ती में एक से लेकर पांच तक अगर आवेदन करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटेट या सीटेट, साथ ही साथ बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड आपने अगर किया हुआ है, क्योंकि इसमें पीएड के अभ्यर्थी इजबल नहीं होंगे। मेल फीमेल की अलग सीट आती है और उनकी मेरिट भी अलग तरह से बनती है। साथ ही साथ सीटेट पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे अदर स्टेट माने बिहार के अलावा अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेशक पद संख्या कम है लेकिन अभ्यर्थियों की आवेदन करने की जो रुझान है वो पहले की तरह दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ जो मैं कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं सीटेट अगर सेकंड पेपर पास हूं तो क्या मैं प्राइमरी का भर सकता हूं? जी नहीं, अगर आप सीटेट पेपर फर्स्ट अगर यहां पे पास है तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं आवेदन कर पाएंगे। सीटेट पेपर टू वाले जो पास है वो छह से लेकर आठ तक वाले में आवेदन कर पाएंगे। यहां तक हो गई। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कोई झंझट नहीं है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा ग्रेजुएशन ये सब्जेक्ट है, मेरा ये है, वो कुछ नहीं। कोई भी ग्रेजुएशन हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीबीए हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे बीटेक हो, सभी व्यक्ति अगर बीटीसी और डीएलएड हैं या उसके समतुल्य अगर कोई उनके पास डिग्री है और साथ ही साथ वो सीटेट पेपर फर्स्ट पास है उसमें आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट की महिलाओं के लिए बार बार कहा जा रहा है सर कितने अंक चाहिए, तो विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा गया है कि 55% अर्थात 82 से ज्यादा अंक होने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि रिस्क लेना चाहिए, आपको आवेदन करना चाहिए, तो 82+90 के बीच में जो महिलाएं अभ्यर्थी पास है सीटेट वो आवेदन बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिक के लिए कर सकती है। जूनियर में अगर है तो जूनियर के लिए भी कर सकते हैं, किंतु अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पैसे चले जाएंगे, आपके पैसे ज्यादा मामू लगते हैं, तो आप आवेदन मत करेगा। आपका व्यक्तिगत निर्णय या व्यक्तिगत रूप से सोच सकते हैं। बाकी मेरा उद्देश्य है कि आप तक सूचनाएं पहुंचाना। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 90+ चाहिए, इसलिए वो अभ्यर्थी 90+ के लिए तैयारी करें। बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं सर आवेदन कब से होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, पूरी विज्ञप्ति में करके बताऊंगा। यहां पे सारी चीजें क्रम रूप से बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक लेवल से लेकर छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बातों के यहां पर जिक्र करेंगे। हर एक सवाल के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हां, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखेगा। नोट्स को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए आप ई-लर्निंग में दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करिएगा तो आपको वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्राय क्या होता है कि ई-लर्निंग में ऑफिस का नंबर पर कॉल करके आप लोग व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं तो वहां पर नोट्स संबंधी जानकारी हो पाएगी, क्योंकि मैं भी अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए जैसे इससे जुड़ा हुआ तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए। बाकी मेरी क्लासेस निःशुल्क चल रही है, आपके लिए मैराथन क्लासेस शुरू हो जा रही है आज शाम 5 बजे से, हर दिन 5 बजे तक होगी। एक एक क्लास 10 से 12-12 घंटे की होगी, जहां पर संपूर्ण निचोड़ सीरीज आपके लिए आ रही है। फिलहाल चलते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण सेशन की तरफ, जो महत्वपूर्ण आपके सवाल थे उन सवालों के उत्तर की तरफ। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, आपके सभी सवाल इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए आज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, माने आज से आवेदन की प्रक्रिया जो है बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप सब कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, 25 नवंबर तक आवेदन के लिए उपलब्ध है, माने आज से आवेदन शुरू करेंगे, 25 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। माने जो भी बिहार शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती पीआरटी के लिए 1 से लेकर 5 तक के लिए आवेदन करना चाह रहे थे वो 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के 9431 सीटों के लिए होगा आवेदन, मतलब जो कुल पद की संख्या है 9431 पद है, जो कुल पद है वो 9431 पद है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है सर मैं यहाँ पे विकलांग हूँ, ईडब्ल्यूएस हूँ, मैं ये हूँ। आप अदर स्टेट के अगर अभ्यर्थी हैं तो बिहार में सामान्य अभ्यर्थी के तौर पर आवेदन कर पाएंगे, आपका कोई भी आरक्षण बिहार राज्य में लागू नहीं होगा। तो ये बात स्पष्ट रूप से आप लोग जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। आगे बात करें, बिहार लोक सेवा बीपीएससी पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति प्राथमिक रिक्त जो रिक्त पद 9431 सीटों के लिए गुरुवार से रजिस्ट्रेशन शुल्क आवेदन स्वीकार करेगा। ठीक है, गुरुवार से आवेदन स्वीकार करेगा यहाँ पर और इस बताने 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन शुल्क आवेदन के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। मैंने बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप 25 नवंबर तक, गुरुवार से लेकर 25 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। मैंने आवेदन चल रहा है, आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ प्राथमिक के लिए आवेदन नए सिरे से स्वीकार होगा, मैंने अगर आप केवल पीआरटी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपका नए सिरे से आवेदन शुरू होगा। बाकी के लिए आवेदन जो 6 से लेकर 8 तक है, 9, 10, 11, 12 के लिए अगर आवेदन कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका आवेदन शुल्क भी जमा कर लीजिए। क्या दो अलग अलग आवेदन हो सकते हैं, पीआरटी के लिए अलग, जूनियर के लिए? जी हाँ, अगर आपने जूनियर का आवेदन कर लिया 6 से लेकर 8 तक के लिए तो अब पीआरटी के लिए अलग से आवेदन आपको करना पड़ेगा, अगर आप उसके लिए इजबल, आपकी योग्यता उसमें है तो। जैसे अभ्यर्थियों को पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और वो प्राथमिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके डैशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के
माध्यम से प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से आवेदन कर लिया है, तो उनको कुछ अलग से नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं। जिन्होंने पहले से ही आवेदन कर लिया है तो ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्ण कर लिया है, और वह प्राथमिक के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना होगा, उन्हें यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन होना होगा। मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड जिन्होंने जनरेट किया था फॉर्म भरते समय, उसे लॉग इन करना है। डैशबोर्ड पर उपलब्ध जो लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से जाकर आप प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी कक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया और प्राथमिक के साथ अन्य वर्गों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो पहले प्राथमिक को छोड़कर अन्य वर्गों के रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद उपलब्ध कराया गया यूजर नेम और पासवर्ड के लॉग इन करके डैशबोर्ड में कक्षा 1 से 5 तक के लिए लिंक क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बात और समझने योग्य बात है, अगर अभी तक आपने बिहार छात्रवृत्ति के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप 6 से 8 में आवेदन करना चाहते हैं, 9, 10 में, 11, 12 में आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है इन सब में आवेदन कर लीजिएगा। यूजर नेम मिल जाएगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर से लॉगिन होने के बाद लास्ट में आप पीआरटी का आवेदन कर सकते हैं। माने जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है वो अलग से अगर आवेदन करना चाहते हैं तो पहला वाला आवेदन रद्द हो जाएगा। तो उनको एक चीज ध्यान रखना है, सभी को ये बात अपने दिमाग में बैठा रखिए, आप अगर आवेदन कर लें घबराना नहीं है। फिर से आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा था कि पोर्टल जो वेबसाइट है बीपीएससी से अपडेट करेगी, उन्होंने अपडेट कर दिया है, अब आपके लिए एक नया डैशबोर्ड खुलेगा। लॉगिन करने के बाद उस डैशबोर्ड पर आप पीआरटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, पीआरटी पर क्लिक करके फिर से सबमिट करने के बाद लास्ट में प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं अलग आवेदन वही करेंगे, अभी तक जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया, माने भी बीपीएससी उन्होंने आवेदन नहीं किया है, वो जीरो से आवेदन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं पहले जूनियर में आवेदन करें और प्राइमरी में करें, दोनों आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें पहले वाले जो पोर्टल खुले थे, मतलब वो 6 से 8 में जी वाले 6 से 8 में भर लें, 9, 10, 11, 12 भर लें, तो उसके बाद वो फिर लास्ट में पीआरटी का आवेदन जाकर करेंगे, मैंने पीआरटी वाले डैशबोर्ड पर लॉगिन करके करेंगे। तो मैंने प्रक्रिया समझा दो, जैसे मैं 6 से लेकर 8 तक में आवेदन कर लिया था, फिर से मुझे पीआरटी में आवेदन करना है, तो अपने लॉगिन और पासवर्ड से पीआरटी में जाऊंगा। इसके पहले भी मैंने बताया था ना कि उन्हें अलग से आवेदन करना पड़ेगा, तो उस बात को ध्यान दीजिएगा। वहां पे उनके लिए था कि जिन्होंने अभी तक कोई आवेदन नहीं किया था, क्योंकि ध्यान रहे जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी आवेदन नहीं कर पाएंगे, 9, 10, 11, 12 में केवल बीएड के अभ्यर्थी जाएंगे, तो यहाँ पर कई चीजें ऐसी है जो विरोधाभास है, ठीक। और 6 से 8 वाले में और 1 से 5 के लिए बीटीसी इजबल है, और 6 से 8 तक में बीएड इजबल है, तो जो बीएड के अभ्यर्थी 6 से 8 में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पीआरटी में आवेदन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका आवेदन हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर केवल ये खबर केवल बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए है, इस बात को समझ लीजिए कि जो बीटीसी का अभ्यर्थी है, जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो 2 वर्षीय प्रशिक्षण जिन्होंने किया है और वो 1 से लेकर 5 के लिए इजबल है, वो 6 से लेकर 8 तक इजबल है, उन्होंने 6 से 8 तक का फॉर्म भर लिया है, उसी यूजर नेम और पासवर्ड से जाकर डैशबोर्ड पर लॉगिन होकर पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर उन्होंने दोनों फॉर्म नहीं भरा, सबसे पहले अगर 6 से 8 तक भरना चाहते हैं, 6 से लेकर 8 तक का भर लें, उसके बाद पुनः आकर वो डैशबोर्ड पर पीआरटी का भर सकते हैं, ठीक। और जो केवल पीआरटी भरना चाहते हैं वो पीआरटी का भी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, जिनके पास सीटेट पेपर फर्स्ट ही केवल पास है, वो सेकंड पास नहीं है। अपेयरिंग के लेकर अभी तक आयोग ने कोई स्पष्ट नहीं किया, अपेयरिंग को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अब परिषदों फिर से एक बैठक है, उस बैठक में पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि अपेयरिंग को मौका देना है नहीं देना है, क्योंकि आवेदन की संख्या अब पीआरटी आने के बाद से तेजी से बढ़ रही है, और इस संख्या को ही बीपीएससी चाहती थी उसके पास आवेदनों की संख्या ज्यादा हो, तो आवेदनों की संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब अपेयरिंग को ना लिया जाए। रजिस्ट्रेशन 17 नंबर से विस्तारित नहीं होगी, 25 नंबर के बाद आवेदन के लिए लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 24 नवंबर तक आपको हर हाल में आवेदन कर लेना है। जो भी लाइव वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान रहे, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। 2 बार आवेदन करेंगे अगर आप, तो पहला आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, पहला आवेदन ही मान्य होगा। कोई त्रुटि कोई गलती हो तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको क्या करना है। फिलहाल अगर आपको कोई पीआरटी से जुड़ा सवाल हो पूछ सकते हैं। अब एक बार इसका सिलेबस छोटा सा बता दूं, क्योंकि पिछली बार सिलेबस में थोड़ा सा आपको समस्या रह गई थी, संशय रह गया था। तो ये पूरा जो सिलेबस इसका जो इसका पूरा पैटर्न है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया, पूरा इसका जो पैटर्न है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर मैं इसके सिलेबस की बात कर लूं, यहाँ पे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जो भाषा है आपको यहाँ पे पास करना है, भाषा का जो टोटल क्राइटेरिया वो 30 का हो गया, पहले ये 100 नंबर का था, अभी 30 नंबर का हो गया, 30 नंबर हो गया। इसमें से अगर मैं बात करूं तो 22 नंबर और 8 नंबर, और इसमें से लाना कितना है आपको, मात्र 9 नंबर केवल क्वालिफाई करना है। इसमें क्या करना है, केवल 9 अंक लाना है, क्वालिफाई करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जहां पे जीएस जीके है, जीएस जीके इसमें गणित भी है, ध्यान रहे इसमें प्राथमिक स्तर की गणित भी है,
ये सभी में, मतलब ये जो सेकंड पैटर्न है ये सभी में इसमें गणित भी है, इसमें गणित विविध है, गणित है, रीजनिंग है, इसमें गणित का भी रोल है, ठीक, विविध है, बिहार स्पेशल है। और साथ ही साथ लास्ट वाला जो है वो ईबीएस जीएस है, ईबीएस जीएस जी के है, ठीक। ये पैटर्न जो पूरा है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से इंक्लूडेड है। आपके पास समय कम है, आप कम समय बेहतर तैयारी करना है तो आप रिविजन पर फोकस करिए, क्लासेस कम से कम अटेंड करिए, मैराथन क्लास पर क्लिक करिए, जहां पे एक ही कम समय में आप ज्यादा मैटर इकट्ठा कर पाएंगे। अब प्रश्न का जो लेवल है कठिनाई स्तर वो थोड़ा सरल रहने वाला है, मतलब यूं कह सकते हैं कि जो अब कठिनाई स्तर होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम रहने वाला है। तो अब उन तमाम अभ्यर्थियों को एक बढ़िया आभास होगा कि हाँ यार अब हम तैयारी करके सफलता के थोड़ा करीब पहुंच सकते हैं। इलेनिपित दुर्गेश पर कंप्लीट जो नोट्स है वो यहाँ पर उपलब्ध है, आप कम समय बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स को पढ़ सकते हैं। और आपके लिए मैराथन क्लास निःशुल्क शुरू होने जा रही है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेंगे। 12 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे में एक एक विषय समाप्त हो जाएगा, और वो विषय सबसे पहले एमसीक्यू सीरीज होगी, उसको विस्तृत व्याख्या वाला होगा, सारे रिकॉर्डेड वीडियो जो इंक्लूडेड करके आपके मैराथन के रूप में है। मैं 10 से 12 घंटे में एक बार पूरे सिलेबस को आप टच कर लेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस सेट पर भी फोकस करिए, और परीक्षा में अगर आपको चीजें याद रही तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और आपकी बार एक सीट हमार बिहार में सपना अपना पूरा कर पाएंगे। तो ये चीजें आपके लिए काफी अहम होने वाली है, ये चीजें आप टेलीग्राम पर हैं। टेलीग्राम पर अभी तक अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़िएगा, वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपको लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन कई बार नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं आता तो आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी। और आने वाले समय में प्रत्येक शाम 5 PM या 6 बजे, मैंने शाम या 5 किसी दिन से दिन हो सकता है थोड़ी विलंब हो जाए, तो 5 PM या 6 PM पर ये क्लासेज डेली की डेली एक एक क्लास एक दिन में मिलेंगी, जिसमें साइंस की होगी, एक दिन मैथ की होगी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री, एशियन, मेडिवल, मॉडर्न ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होगी, पॉलिटी होगी, ठीक है, मैथ की सीरीज होगी, रीजनिंग की सीरीज होगी। तो यहाँ पर कंप्लीट जो है आपको कोशिश की जाएगी कम समय में ज्यादा तैयारी करने के लिए मैराथन सीरीज है, और इस मैराथन सीरीज का हिस्सा बनिएगा। ये 7-7 घंटे, 10-10 घंटे की सीरीज होगी, आप उसे अपने हिसाब से फास्ट करके देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, पूरी विस्तृत व्याख्या होगी, सारे चैप्टर को अटेंड किया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहते हैं एनसीईआरटी के नोट्स लें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जुड़े रहेंगे तो जो भी सूचनाएं होंगी तो वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इन नंबरों पर आप कॉल करके जो समस्याएं पूछते वो उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनका काम अलग है, वो ई-लर्निंग विद ऑफिस का काम मैनेज करते हैं, तो इससे आपके सवालों को उत्तर नहीं मिल पाते। अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल है ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कॉमेंट सेक्शन में जाइए और कॉमेंट में जाकर अपने सवाल पूछिए। बिहार शिक्षक भर्ती में आपकी बारी से हमारा जो सपना है वो आप पूरा कर सकते हैं। 6 से लेकर 8 तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, तो आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपना बेस्ट और बेहतर देना है। सिलेबस की भी मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आपको भी मिल गया होगा, और पैटर्न भी क्या आपको मैंने बता दिया, सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर कोई सवाल फिर भी छूट रहा हो, क्योंकि कई बार होता है मैं लाइव आता हूँ, 150 सवाल रहते हैं, हाँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई खेल नहीं है यहाँ पर, किसी भी प्लेन ग्रेजुएशन आपका हो, BTC DLED है तो आप कर सकते हैं, BEd के अभ्यर्थी इसमें इजिबल नहीं, जैसा कि मैंने बता रखा है कि जो BEd का अभ्यर्थी है वो यहाँ पर इजिबल नहीं है। 1 से लेकर 5 तक में केवल एलिमेंट्री कोर्स के अभ्यर्थी इजिबल है, और सिलेबस मैंने पूरी वीडियो बनाई है, एक और वीडियो पूरा पूरा बना देंगे। सीटेट पेपर फर्स्ट वाले अदर स्टेट इजिबल हैं, ठीक, और महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर अगर 82+ हैं और वो आवेदन कर सकती हैं अपने रिस्क पर, क्योंकि विज्ञप्ति में ऐसा दिखाया गया है, वैसे आपकी मर्जी। मेल के लिए 90+ चाहिए, जैसा कि स्पष्ट हो चुका है इस भर्ती से, फेज फर्स्ट से, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, और आवेदन 25 नवंबर तक कर पाएंगे, इसलिए आवेदन आप कर सकते हैं जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है, खासकर वो जूनियर में ही आवेदन किए होंगे। अगर जूनियर में आवेदन कर लिया तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से डैशबोर्ड पर लॉगिन कर सकते हैं और फिर से आप PRT का फॉर्म भर सकते हैं। अगर अभी आपने नहीं भरा है तो पहले आपको सबसे पहले जूनियर का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आकर PRT का फॉर्म भरना होगा, या 9, 10, 11 बार जो भी आप है उसके भरने बाद अंत में आपको PRT वाले कॉलम में जाना होगा, ठीक। यहां तक अगर किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई संशय हो तो आप यहां पे पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। फिर भी सॉरी, कई बार होता है कि आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब नहीं मिल पाते, अगर ऐसा भी कुछ हो तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम कोशिश करें कि आपके अन्य सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आ सके। इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा। आज 5 बजे से मैराथन होगी, संपूर्ण भारत का भूगोल होगा, 12 घंटे के सेशन होगी, हर एक टॉपिक इसमें होगा,
जहां से आपके परीक्षा में संभावित प्रश्न आ सकते हैं। चार विकल्पों वाला प्रश्न होगा, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या होगी जो आपके परीक्षा के समय काफी काम आ सकती है। इसलिए अब की बार एक सेट हमारा सपना पूरा करने के लिए उस वीडियो सेशन में जरूर बनिएगा, जहां पे सभी मैराथन सीरीज आपका इंतजार कर रही हैं इस बार बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो उन सभी साथियों को शेयर करिएगा जो एक से लेकर पांच तक के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं या जो छह से लेकर आठ तक आवेदन करना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपकी अंतरात्मा है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी आपको एक जगह मिलती रहेगी, और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पर आपको भी सारी जानकारी मिल जाएगी। सीटेट के भी नोट्स उपलब्ध हैं, उन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड के भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का आभार, आप सभी का थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आज के मैराथन सीरीज के में, और ये क्लासेज आपके लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में होंगी। थैंक यू।